गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजीत मिश्रा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोवी स्कूल। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट SST लेसन 3 लैंड एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था जहां पर समाप्त किए थे वो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, उसमें हम लोग पढ़े थे इग्नेशियस चट्टान के बारे में यानी कि अग्नि चट्टान के बारे में। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स और सादी या कलश चट्टाने, मेटाफोरिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टाने और खनिज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ये चट्टाने उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं जितना कि इग्नेशियस चट्टाने होती है, है ना, अग्नि चट्टाने होती है। इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ ये काफी बड़े पैमाने पर फैले हुए होते हैं। 3/4 हिस्सा पृथ्वी का कवर्ड बाई सेडिमेंट्री रॉक। कोई भी चट्टान एक्सपोज होता है वेदर के चेंज होने से, अपरदन के एजेंट से। पहले बड़े खंड में यह जो है ना टूटता है और आगे फिर छोटे छोटे खंड में टूटता है, अर्थात स्मॉल कण में, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं। ये निकलती या लिए गए हैं अग्नि यानी अग्नि और चट्टान से। इस कारण से अग्नि और कायांत्रित या पुराने सेडिमेंट्री चट्टान से, इस कारण इसे सेडिमेंट्री रॉक के रूप में जानते हैं। कुछ सेडिमेंट्स जैसे बालू, मिट्टी या ग्रेवल, सभी सेडिमेंट्स को कैरी किया जाता है किसके द्वारा, रनिंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी, हवा या आइस के द्वारा, तथा इन्हें छोड़ दिया जाता है परत दर परत जहां स्ट्रीम यानी कि धारा जो है ना, पानी की धारा जो है ना शांत होने लगती है। तो सेडिमेंटेशन फेवर्ड बाय वाटर, अतः अधिकांश सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण अंडर वाटर होता है। अक्सर लूज एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल जैसे बालू, मिट्टी, हार्ड और कंपैक्ट रॉक में बदल जाते हैं। इसे हम सैंड स्टोन एंड और क्ले आमतौर पर कंपैक्ट रॉक में दबाव के कारण बदल जाता है। ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव यानी कि निकलता है फ्रॉम प्लांट और जानवरों के रिमेन्स यानी कि अवशेष से, जो कलांतर में रॉ मटेरियल के तरह उपयोग होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण में होता है यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो ऑर्गेनिक ओरिजिन है उसके उदाहरण है कोल और लाइम स्टोन यानी कि कोयला और चूना पत्थर। लार्ज वैरायटी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक को पहचाना जाता है ओरिजिन ऑफ सेडिमेंट्स मोड और जमा करने के स्थान और नेचर ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, यद्यपि वे अपनी समान विशेषता को बनाए रखते हैं। आर्थिक मूल्य के जो है खनिज कम पाए जाते हैं, लेकिन आयरन और कोयले मटेरियल फॉर मेकिंग सीमेंट, फास्फेट, बिल्डिंग स्टोन इत्यादि भारतीय उपमहाद्वीप में अलाविंग डिपोजिटेशन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ सेडिमेंट्री सैंड स्टोन यहाँ पाया जाता है। यह पाया जाता है मध्य प्रदेश में, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा। दिल्ली एवं आगरा का जो रेड फोर्ट बना है वो सैंड स्टोन से ही बना है। द ग्रेट विंध्य हाईलैंड इन सेंट्रल इंडिया बना हुआ है सैंड स्टोन सेल से और लाइम स्टोन से। अब हम पढ़ेंगे मेटाफोरिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित चट्टाने। सभी चट्टाने जो है ना गुजरते हैं बदलाव से, जब वास्तविक विशेषता चट्टान का है जैसे रंग, हार्डनेस, बनावट और खनिज कंपोजिशन आंशिक और पूर्ण रूप से बदल जाता है। इससे मेटाफोरिक रॉक्स राइज अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। ग्रीक भाषा में मेटाफोरिक शब्द का अर्थ होता है चेंज ऑफ फॉर्म। मेटाफोरिक चट्टान का निर्माण अंडर द स्ट्रेस ऑफ प्रेशर, जिसे जाना जाता है डायनेमिक मेटाफोरिज्म यानी कि रूपांतर की प्रक्रिया, है ना, टेक्स प्लेस एट डेप्थ अंडर द प्रेशर ऑफ ओवरलेइंग रॉक्स या हॉट इग्नेशियस मटेरियल के संपर्क में आने का यह परिणाम है। ग्रेनाइट परिवर्तित होता है जेनिस, क्ले और सेल में, तथा ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सिस्ट में एट ग्रेट डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट। सेडिमेंट्री और इग्नेशियस रॉक्स का मिनरल्स रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उच्च तापमान के प्रभाव से, तथा प्रिवेलिंग
विधि द अर्थ क्रस्ट को जाना जाता है प्रोसेस ऑफ कंटैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इस तरह के रूपांतरण का परिणाम होता है कि सैंड स्टोन बदल जाता है क्वार्ट्ज और मिट्टी में तथा सेल में, और ये ट्रांसफॉर्म इनटू सेलेक्ट हो जाता है। कोयला बदल जाता है एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट में विथ 90% कार्बन। मार्बल में मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है जो सेडिमेंट्री लाइम स्टोन के समतुल्य होता है, यानी कि इकोवैलेंट होता है। मेटामॉर्फिक चट्टानों को पहचाना जाता है उसके ग्रेट हार्डनेस, क्लोजली बैंडेड स्ट्रक्चर और इंटरलॉकिंग ऑफ क्रिस्टल के कारण। अब हम पढ़ेंगे मिनरल यानी कि खनिज। मिनरल्स किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तथा आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का आधार जो है ना होते हैं या उपलब्ध कराते हैं। प्रकृति में खनिज तीन रूपों में पाए जाते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य और गैस के रूप में। तो खनिज प्राकृतिक संसाधन है जिसे हम रॉक से प्राप्त करते हैं। यह पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में और जिसका एक निश्चित रासायनिक कंपोजिशन होता है। प्रत्येक मिनरल बना होता है दो या अधिक सिंपल सब्सटेंस से जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, और इसी एलिमेंट से पूरा होल अर्थ जो है ना बना हुआ है। 2000 भिन्न भिन्न मिनरल में से सिर्फ 12 मिनरल्स को कहते हैं रॉक फॉर्मर्स, यानी कि मिनरल्स कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जियोलॉजिस्ट ने मिनरल को क्लासिफाई किया है उनके रासायनिक कंपोजिशन और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के आधार पर। कुछ मिनरल बने हैं एक तत्व से जबकि दूसरे दो या दो से अधिक तत्व से। सामान्य तौर पर मिनरल को जो है ना दो वर्गों में बांटा गया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मिनरल्स जो पाए जाते हैं इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड मेटालिक फॉर्म, उसे हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। मैग्मा मुख्य स्रोत है मेटल ओर्स का, इसमें बहुत से संबंधित हैं आग्नेय चट्टान से। मिनरल जिनका आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है, इनका ग्रेट वैल्यू है, वो पाए जाते हैं इनमें, जैसे कॉपर, निकेल, लीड, जिंक, मैग्नेटिक आयरन, क्रोमाइट, मैग्नीस एवं प्लेटेनियम। इनका आधुनिक समय में मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में काफ़ी अधिक जो है ना वैल्यू है। अधिकतर नॉन मेटालिक मिनरल संबंधित हैं सेडिमेंटरी रॉक से। सेडिमेंटरी रॉक में जो डिपॉजिट है लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम। मिट्टी, सल्फर, कोयला, पेट्रोलियम और साल्ट, ये कुछ नॉन मेटालिक मटेरियल्स है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स पाया जाता है ओर के रूप में, और ओर जिसे हम अयस्क कहते हैं। तो अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, इसलिए उपयोग करने से पहले प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। सभी मटेरियल जिसे हम जानते हैं वो मिनरल के रूप में होते हैं, अतः रॉक्स आर डिफाइंड एज मिनरल मैटर। इसके अलावा अब हम जो है यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग जो है ना वो दिए गए, उसको आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंजिंग लैंडफॉर्म, जिसमें माउंटेन, इसके बाद प्लेटू, प्लेन्स, इसके बाद है सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक